السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم ناظرين يا أيها الذين آمنوا رحمان کا أهل إيمان سے خطاب اس عنوان کے تحت سریز چل رہی ہے اور اس سے پہلے آپ نے بہت سارے अल्लाह रबी ने इन खिताबात में हमें या तो किसी खैर का हुक्म दिया है जिसको करना हमारे लिए हर तरह की भलाई का बायस है और या तो अल्लाह सुबहान ताली ने उसमें हमें किसी चीज़ से मना किया है जिससे रुक जाना हमारे लिए हर तरह की भलाई का बायस है इसी सिलसिले में से एक और आयत का हम इजाफा करते हैं सुर नसा की आयत नंबर फोटी थ्री अल्लाह सुबहान त ने फरमाया फरमायादी आनु ला तक रब तुम सुकारा حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا. الله سبحانه وتعالى يفرما يا ايها الذين امنوا اي بلغه ايمان ला तक्रब तवन तुम सकारा नशे की हालत में तुम नमाज के करीब भी मत जाओ हत्ता हतम तुल यहाँ तक कि तुम्हें इल्म हो जाए यहाँ तक कि तुम्हें महसूस होने लगे कि तुम अपनी ज़ुबान से क्या अदा कर रहे हो यानी जब तक नशा मुकम्मल तौर पर उतरता नहीं है तुम्हें नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है नशा उतर जाए और तुम्हें पता चलने लगे कि मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हारी अक्ल वापस आ जाए तुम्हारी समझ बूझ वापस आ जाए तुम्हें महसूस होने लगे कि मैं क्या कह रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ तो उस वक्त तुम्हें नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है हत्ता मा तकूलून वला इल्ला आबिरी और ना ही ऐसी हालत में नमाज के करीब जाओ जबकि तुम जनाबत की हालत में हो इल्ला ये कि तुम अगर सफर में हो और जनाबत लाक हो गई और पानी ना मिले तो उस वक्त तुम्हें गसल करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि तैयूम से ही आपकी नमाज काफ़ी हो जाएगी आगे बढ़ने से कबल और आगे की आयत में जो तैयम का जिक्र किया गया है उससे कबल मैं इस आयत के शान नजूल के बारे में आपके सामने चंद बातें जिक्र करना चाहता हूँ दरअसल शराब जो है वो इंसान के जिसम के लिए और इंसानी फितरत के लिए बहुत बुरी चीज़ है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी वजह से जब सफ़र में आराज में आपको दूध का गिलास दिया गया और शराब का गिलास पेश किया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का गिलास अपने लिए इख्तियार किया शराब के गिलास को हाथ भी नहीं लगाया क्योंकि वो इंसानी फ़ितरत के ख़िलाफ़ हैं व तआला ने हम इंसानों को मुमताज़ बनाया है हमारी अक्ल की बिना पर अल्लाह ने हमें अक्ल दिया समझने बूझने की सलाहियत दी और यही अक्ल हमारे लिए इम्तियाज़ की शान रखती है दूसरे तमाम मखलूक़ात के दरमियान लेकिन अगर कोई इंसान इसी अक्ल को शराब पी करके या नशा आवर चीज़ इस्तेमाल करके ख़राब करने की कोशिश करें तो शरीयत इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती ज़माना जाहलीत में शराब बहुत आम थी अल्लाह के रसूल सल्ला वसम के नबी बनाए जाने से पहले तकरीबन हर घर में शराब पी जाती थी बहुत कम ऐसे लोग थे नफीस तबीयत के मालिक लोग जो लोग शराब को हाथ भी नहीं लगाते थे शराब से अपने आप को बचा करके रखते थे वरना आम तौर पर ऐसा होता था कि अक्सर बेशतर लोग शराब पीते थे क्योंकि शराब पीने को गलत समझा ही नहीं जाता था उसको गुनाह कोई करार ही नहीं देता था लेकिन जब इस्लाम आया और इस्लाम दीन फितरत है तो उसने फितरत के हिसाब से लोगों को तालीम देना शुरू किया शराब इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ है शराब से मना करना ज़रूरी था लेकिन अल्लाह व तआला की तमत आप देखें कि अल्लाह रब्बिल आलमीन ने डायरेक्ट इस्लाम के आते ही डायरेक्ट हुक्म नाजिल नहीं फरमाया कि शराब हराम हो गई तुम्हारे लिए उससे बचना ज़रूरी है बल्कि अल्ला रबी ने शराब को तीन दर्जात में मुकम्मल तौर पर हराम किया पहला दर्जा या पहला मरहला आप देखें अल्लाह रबी ने सुर बकरा में फरमायादरी वलमसर कुल्फी हिमा इसमन कबीर व मनाफ़ास वमा अकबर उमिनफ़ अल्लाह ने फरमाया कि लोग ए नबी सल वसम आपसे शराब के बारे में और जुए के बारे में सवाल करते हैं आप कह दें कि फ़ी हिमा इसमन उसमें गुनाह बहुत बड़ा है व के लिए फ़ायदा भी है जुए में पैसा इंसान जीत जाता है तो उसको पैसे मिल जाते हैं शराब पीता है तो गम भूल जाता है और उसके अलावा और भी दीगर फ़वाद होते हैं लेकिन वह इस मुहम अकबर उमफ इहीम उन दोनों का जो गुना है वो उनके फ़ायदे से ज़्यादा बड़ा है जब अला सुबहान तराब के बारे में ये हुक्म नाजिल फ़रमाया कि शराब का जो गुना है और उसका जो नुकसान है वो ज़्यादा बड़ा है फ़ायदे भी हैं लेकिन नुकसान ज़्यादा बड़ा है तो इस आयत के नाजिल होने के बाद बहुत सारे सहाब कराम जिनकी तबीयत पाकिज़ा थी जो नफीस तबीयत के जो बारीक तबीयत के मालिक थे उन लोगों ने शराब को छोड़ दिया लेकिन अभी भी चूंकि हरमत वाज तौर पर नाजिल नहीं हुई थी तो कुछ सहाबे कराम अभी भी शराब का शौक फरमाया करते थे तो हुआ ये कि एक मरतबा सुरंतरमदी की रिवायत है अली बिन बिनबी तालब रदील्ला अनु रिवायत करते हैं वह ये किब्दुलरम बिन आऊफ़ रदील्ह तहु ने अपने घर में खाना बनवाया और खाना बनवाने के बाद जैसा कि आम आदत थी वहाँ की कि खाने के बाद शराब का दौर चलाया जाता था तो रदील्ला तु के घर में शराब का दौर चलाया गया और उस मजलिस में अब्दर बिन आओफ भी थे और नबी तालब रजिय भी थे और दीगर लोग वहाँ पर मौजूद थे चुनान चे वो लोग शराब पी रहे थे खाना खाने के बाद तो नमाज का वक्त हो गया जब नमाज का वक्त हुआ तो अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तु फरमाते हैं कि लोगों ने मुझे इमामत के लिए आगे बढ़ा दिया नशे की हालत में इमामत के लिए आगे बढ़े चुनान चे अली बिन अबी नबी तालब रजील्ला तैनों ने जब नमाज़ पढ़ानी शुरू की तो आपने काफिरून की तिलावत की कुल या अय्युहल काफिरून और आपने वहाँ पर दो जगह बड़ी गलती कर दी सूरह काफिरून के पढ़ने में आपने जब पढ़ा स्टार्ट किया कुल या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा लबाताबुद और उसके बाद उन्होंने कहा व वन अबुद माता अबुदून माना उसका यह है कि ए काफिरों मैं उन महबूदों की इबादत नहीं कर सकता जिनकी तुम इबादत करते हो और वनष ना अबुद माता अबुदून बल्कि हम इबादत करते हैं उन महबूदों की जिनकी तुम इबादत करते हो ये अली बि नबी तलिब रज़ी तुमने पढ़ा हालांकि क़ुरान करीब में क्या है कुल या अय्युहल ला मा मा वला अंतुम कि ना तो मैं उन महबूदों की इबादत कर सकता हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो और ना ही तुम उस अल्लाह की इबादत करोगे जिसकी कि हम लोग इबादत करते हैं तो अली बिन बनबी तालिबी अन्हु ने यहाँ पर गलती की और उनसे यहाँ पर ख़ता हुई एक दूसरी जगह पर उनसे गलती हुई इसी सूरत के पढ़ने में जैसा कि दूसरी रिवायात में मौजूद है कि आपने लकुमदीन उम व दीन कि तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन है और मेरे लिए मेरा दिन है उसकी जगह पर उन्होंने कहा कि लई सली दी वलई सलकुम दीन ना तो तुम्हारा कोई दिन है और ना ही हमारा कोई दीन है और ये सब नशे की हालत में हो रहा था अली बि नबी तौलब रदील्ला ने कहा कि इस हालत में जब मैंने नमाज़ पढ़ाई अल्लाह सुबह ने उसके बाद ये वाली आयत नाजिल फरमाई, जिसकी तलावत मैंने आपके सामने की सुर निसा की आयत नंबर फोर्टी थ्री अल्लाह ने फरमायादी तक तुम सकारा ए ईमान वालो तुम नमाज के करीब भी मत जाओ इस हाल में कि जब तुम नशे में हो नशे की हालत में तुम्हें नमाज के करीब भी जाने की इजाज़त नहीं है और ये दूसरा मरहला था शराब की हरमत का चुनानचे इस हुक्म के नाजिल होने के बाद अब लोगों के यहाँ शराब पीने का जो पीरियड रह गया था वो बहुत कम रह गया था जो लोग भी शराब पीना चाहते थे अक्सर वशतर लोगों ने छोड़ ही दिया था लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग पीना चाहते थे मुसलमानों में से भी वो लोग इशा के बाद शराब का शौक़ फरमाते थे यानि इशा के बाद से फ़जर के वक्त तक बहुत लंबी मुद्दत होती है नमाज में तो उस वक्त वो लोग शराब पिया करते थे यानी अब पूरे दिन में शराब पीने का मौका उनके पास नहीं था ये दूसरा मरहला है तीसरा मरहला वो है जिसमें अल्लाह सुबह त ने तौर पर उसकी हरमत का ऐलान किया इन बारे में भी तफसील के साथ आगे आए आएंगे बहरहालयत में लाला ने फरया या एल आनु ला तुम सकारा हलमातोलो उनकी अ ई ईमान वालों नशे की हालत में नमाज के करीब भी मत जाओ आ, हत्ता मा कलून यहाँ तक कि तुम्हें एहसास होने लगे यहाँ तक कि तुम जानने लगो उन सारी चीज़ों को जिनको कि तुम कह रहे हो यानी ऐसा ना हो कि तुम नमाज पढ़ने जाओ नशे की हालत में और दुआ करो और अपने ऊपर बद दुआ कर दो या कुछ भी उल्टी सीधी बातें तुम अपनी ज़ुबान से निकाल दो जो नमाज की शान के ख़िलाफ़ है इसलिए अल्लाह ने मना किया उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वाला जनूब आबरी सभी तसेलो और इस हाल में तुम नमाज के करीब मत जाओ जबकि तुम जुम्बी भी हो अ कि तुम मुसाफिर हो मुसाफिर हो।, हो तो उसका अलग मसला है हद तक हतलू यहाँ तक कि तुम गसल कर लो उसके बाद अल्लाह रबी ने फरमाया वनकन तुम मर दो लेकिन अगर तुम बीमार हो और अला सफरन या तुम मुसाफिर हो या औरतों से तुम जम कर लो और तुम्हें पानी ना मिले फ़तेम ममो सईदबा तो तुम पाक मिट्टी का कस्त करो फ़मसहु बी वजूह ही कुम आईदी कुम और उसके ज़रिए से अपने चेहरे पर और अपने हाथ पर मसह करो यानी तैयम करो इन न हो क्या नाफ़ुअूरा अला सुबह ना जो है वो माफ़ करने वाला है और बख्शने वाला है ये जो तैमूम का मसला है इसको अल्लाह सुबहान ने एक और आयत में जिक्र फरमाया और वो भी या लदीन आमनु से शुरू हो रही सूरह मायदा की आयत नंबर छः अल्लाह आलमीन ने उसमें फ़रमाया यादी आमनु इजाकुम तुम इला फ़ सलु वजू हकम अदीकम इजल मराफ़िक ए ईमान वालों जब भी तुम नमाज़ पढ़ने का इरादा करो जब भी तुम नमाज़ पढ़ने के लिए जाने लगो फ़ सलु वजू हकुम अदीक इजलमराफ तो अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोहनीियों समेत धो लिया करो वमसकू बरू ऊसी कुम और जुलाजल काबेन और अपने सर का मसाह करो और इसी तरह से अपने पैरों को टखनों समेत धो लिया करो अल्लाह ने तहाँ पर वज़ू का हुक्म दिया कि जब भी हमें नमाज़ पढ़ने का इरादा हो तो हम वज़ू कर लिया करें और आयत में जो ये कहा गया कि इजाकुम तुम इला जब भी तुम नमाज़ पढ़ने की कोशिश करो या जब भी तुम नमाज़ पढ़ने का इरादा करो तो वज़ू कर लिया करो उसका माना यह है कि जब तुम नमाज़ पढ़ने जाने लगो और तुम उस वक्त हालत हदस में हो यानी वज़ू की हालत में ना हो तब तुम्हें वजू करना ज़रूरी है इसका आम हुक्म नहीं है कि जब भी नमाज पढ़ी जाए उसके लिए अलग से वजू करना ज़रूरी है ये माना और मफहम नहीं है बल्कि अगर आप बाजू हैं तो आप एक ही वजू से कई कई नमाजें भी पढ़ सकते हैं आप जहाँ तक आपका वजू बाकी रहेगा आप एक वजू से पाँच नमाजें भी पढ़ सकते हैं अगर आपका वज़ू इतना देर तक बाकी रह जाता है यानी हर नमाज के लिए अलग अलग वजू करना ज़रूरी नहीं है हाँ अलबत्त यह बात ज़रूर है कि अगर कोई शख्स हर नमाज के लिए अलग अलग वजू करता है तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मुस्तहब है आप सलाम ने उसको मसनून करार दिया क्योंकि वजू क्या है गुनाहों का गफारा है इंसान जितनी मरतबा वजू करेगा उतना ही उसके गुनाह माफ़ किए जाएंगे तो इस अतबार से वजू करना हर नमाज के लिए अलग अलग ये बेहतर है लेकिन अगर कोई शख्स वजू करना नहीं चाहता तो उसके लिए वाजिब और ज़रूरी भी नहीं है लिहाजा जो इस आयत में कहा गया कि इजाकुम तुम इला कि जब तुम नमाज के लिए खड़े होने लगो तो महदसिन और मुफसरिन ने इस आयत का मफहमूम ये बताया कि इजाकुम तुम इरा सला तुम महदसिन यानी कि जब तुम हालत हदस में रहो और उस वक्त तुम नमाज़ पढ़ने का इरादा करो तो वजू कर लिया करो तो अल्लाह अल्ला हुआ तारा ने वज़ू करने का तरीक़ा यहाँ पर बताया कि तुम अपने चेहरों को और अपने चेहरों में कुल्ली करना भी दाखिल है और नाक में पानी दाखिल करना भी दाखिल है और हाथों को कोहनीियों समेत धो लिया करो सर का मसाह किया करो सर के मसाह में कान का मसाह भी शामिल है व अजुलाम इजलकाबैन और अपने पैरों को टखनों समेत धो लिया करो उसके बाद अल्लाह ने फरमाया व इनकुन तुम जुनू बन फतः हारो और अगर तुम जुम भी हो हालत जनाबत में हो और नमाज पढ़ने का इरादा है फता हारो तो तुम्हारे लिए गसल करना वाजिब और ज़रूरी है क्योंकि गसल किए बगैर तुम्हारी जो मानवी नजासत है वह नजासत ख़त्म नहीं होगी और नजासत की हालत में कोई भी नमाज़ काबिल कबूल नहीं होते व इनकुन तुम जुर्बन फारो व इनकुन तुम मरदा अवला मस्तुमन अला ने फ़रमाया लेकिन अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो या तुम में से कोई शख्स पेशाब और पखाना करके क़दाय हाजत करके आया है अवला मस्तुम्नसा या तुमने औरतों से जमा किया हुआ है फ़लम तजीद मा और इन सब चीज़ों के बाद यानी इंसान या तो आ, हदसे अकबर में हो या तो हदस असगर में हो और उसके बाद उसको पानी ना मिले फ़िल तजी फ़तःम ममू तो तुम तयम कर लो तयम करना कस्त करना इरादा करना किस चीज़ का फ़तःम ममू सीदय तुम पाक मिट्टी का कस्त करो फम सहु बजू ही कुम आईदी को मिन और उस पाक मिट्टी से अपने हाथों को और अपने चेहरों को मसह कर लिया करो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैम का तरीका ये बताया कि इंसान अपने हाथ को मिट्टी पर मारे और उसके बाद उसको ले करके वो फूकें उसके दरमियान फूँकें ताकि जो वाज तौर पर जो ज़र्रात हैं वो निकल जाए उसके बाद उसको अपने चेहरे पर एक बार फेर लिया जाए और उसको अपने हाथ पर एक बार फेर लिया जाए ये काफ़ी तयम हो जाएगा अल्लाह सुबहान तयम के हुक्म नाजिल करने के बाद फरमाया फ़रया <स्थारी> मिन मा लियजअल अलैकुम मिन हरज तयम का हुक्म अल्लाह हुक्मल आलमीन ने इसलिए तुम्हारे लिए नाजिल किया क्योंकि अल्लाह सुबहान तुम्हें तंगी में डालना नहीं चाहता अल्लाह सुबहान तुम्हें मुश्किल में डालना नहीं चाहता तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता मा यीदुल्लिया लियजअल अलैकुम मिन हरज

हताशा रजी अल्लाह ताराना का हार गुम हो गया और उस हार को ढूंढने के लिए साहब कराम को उस जगह पर रुकना पड़ा जहाँ उन्होंने पड़ाव इख्तियार किया था और इतनी देर तक वो रुके रहे कि नमाज का वक्त दाखिल हो गया और फिर उस वक्त वहाँ पर आस पास जहाँ पर उन लोगों ने पड़ाव इख्तियार किया था कोई पानी भी नहीं था वजू करने का कोई ज़रिया भी नहीं था सहाब कराम परेशान थे कि हमें एक हार को ढूँढने के लिए रोका गया है हम हार ढूँढ रहे हैं ख़ुदबू बकर तारण हताशा रजी अल्लाह पर नाराज़ हो रहे थे कि तुम्हारी वजह से सारी कौम यहाँ पर रुकी हुई है और तुम्हारी वजह से सारी कौम की नमाज़ तख़िर से अदा होगी क्योंकि उनके पास वज़ू का पानी नहीं है और जब तक वज़ू नहीं कर लेंगे उनकी नमाज कहाँ से होगी तो अल्लाह अल्ला हुआ ताला ने इस आयत को नाजिल फ़रमाया और इसमें यह कहा कि अगर तुम सफ़र में हो और सफ़र में पानी ना मिले तो तुम तम से नमाज पढ़ सकते हो और ये तैम जहाँ हदस असगर के लिए काफ़ी होता है वहीं हदस अकबर के लिए भी काफ़ी होगा हदस असगर यानी पेशाब पखाना वगैरह करना हवा ख़ारिज करने वगैरह की वजह से जो वजू टूट जाता है इंसान बेवजू होता है तो बेवजू इंसान के हदस को भी तैम दूर कर देता है और जो इंसान जिस इंसान को गसल की ज़रूरत हो जो जुम हो गया हो मानवी तौर पर नजस हो गया हो तो उस शख्स के लिए भी तैम काफ़ी है और ये तैम इंसान जब भी सफ़र में रहे जितने दिन भी सफ़र में रहे यह तैम उसके लिए मौजूद है वह हमेशा तैम कर सकता है उसकी इजाज़त ऐसा नहीं है कि तैम के लिए भी कोई मुतयन वक्त हो कि आप इतने दिन तक रहेंगे तो आप तयम कर सकते हैं उसके बाद आप तयम नहीं कर सकते इसके लिए कोई भी मुतिन वक्त नहीं है अब तरह की एक रिवायत हैदाऊद में आप फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल अल्ला वसलम के पास कुछ बकरियाँ इकट्ठा हों नबी सलाम ने मुझसे कहा कि तुम जाओ इन बकरियों को कहीं चरा करके लेकर के आओ किसी जंगल में चले जाओ और इनको चराने का काम करो अबू ज़र रज़ी बयान फ़रमाते हैं कि मैं उन बकरियों को ले कर के मकाम रबज़ा की तरफ़ निकला और जब मैं वहाँ पर गया तो मेरा पाँच दिन छः दिन रहने का इरादा था कि पाँच छः दिन वहीं पर रह करके बकरियाँ चराऊँगा और उसके बाद उन बकरियों को ले कर के नबी अलैहि वसल्लम के पास वापस आ जाऊँगा कहते हैं कि जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ जाने के बाद मैं जुम हो गया यानी मैं नापाक हो गया अहतनामाम हो गया जनाबत की हालत में हो गया अब ऐसी सूरत में अबू ज़र रज़ी अल्लाहन बहुत परेशान उनको पता ही नहीं था कि तैमोम करने की भी इजाज़त है और वो ये समझ रहे थे कि मेरे लिए गसल करना वाजिब और जरूरी है चुनान से अबुर रजील्ला तरा पर ठहरे रहे जब वहाँ से वापस आए तो वापस आ कर के भी नबी सल्लाम से मिलना मुनासिब नहीं समझा कि नजास्त की हालत में मैं कैसे मुलाकात करूँ कैसे आपसे बातचीत करूँ चुनान जब अबुज़र रजी अल्लाह उतारण मदीना वापस आए तो नबी सलाम ने उनको देखा तो कहा अबूज़र पुकारा उनको खिताब किया कि अबूज़र तुम आए हुए हो तो अबुज़र रजी अल्लाह बयान फरमाते हैं कि फसक्क़त तुम्हें खामोश हो गया मैंने कुछ भी नहीं बोला अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने फिर से कहा अबुर तुम आए हुए हो अबर रजी अल्लाहन फिर खामोश रहे नबीम को गुस्सा आया और आपने कहा सकिलत का उम्मया अब अः अबर तुम्हारी माँ तुम्हें गुम पाए ये वो जुमला है जो डांटने के अंदाज़ में बोला जाता था और उसका हकीीकी माना मुराद नहीं दिया जाता था अब रजी अल्लाह तरह को नबी सल्ह वसलम ने डांटा और कहा कि तुम हो तब जाकर के बुजर रली ने कहा कि मैं हूँ और उन्होंने फिर अपनी वजह जिक्र फरमाई क्यों नबी अलीस वसलम तो से वो बात नहीं कर रहे थे उन्होंने कहा कि मैं जनाबत की हालत में था इस वजह से मैं आपसे बात नहीं कर रहा था अल्लाह के रसूल सल अल्लाह वसलम ने एक काली लौडी को जो आपके पास मौजूद थी उनको हुक्म दिया कि वो पानी ले करके आए फिर वो लोडी पानी लेकर करके आई एक बर्तन में और उस लोडी ने ही अबूजर अल्लाह रजील्ल्ला को कपड़े से उनको सतर किया उनको छुपाया अबूजर अल्लाह रजील्ल्ला ने पीछे गसल किया और गसल करने के बाद फिर नबी सल्हसम से हम कल हुए अल्लाह के रसूल सल्ला वसलम ने उस वक्त फरमाया फ़रमायासदयब उलमसलिम वलोलाशद सनी ये जो पाक मिट्टी है ये पाक मिट्टी मुसलमान के वजू का काम करती है अगर अगरचे दस साल तक क्यों ना तैम की ज़रूरत पड़े यानी दसियों साल तक कई साल तक इंसान को अगर पानी ना मिले और उसको तैमुन करने की हाजत हो तो वो कितने भी मुद्दत तक वो तम से गुजारा कर सकता है उसके लिए पानी को इस्तेमाल करना वाजिब और ज़रूरी नहीं है लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे ये भी फरमाया कि फ़ैज़ा वजद तलमा अफ़ अमित जलदक फिर जब तुम पानी पालो तो अपने चमड़े को वो पानी छुआओ यानि गसल करो फैज़ा वजद तलमा अफ़ अमित जलदक तुम जब पानी पालो तो अपने जिस्म पर उस पानी को इस्तेमाल करो फ़ैन इन नजा का खैरुन क्योंकि ये तुम्हारे लिए बेहतर है तो ये दोनों आयतें आप देखें सुर नसा की आयत और सुर मायदा की आयत इन दोनों आयतों में अल्लाह अल्लान व ने हमें कई अहकाम दिए पहला हुक्म जो हमें यह दिया गया कि नमाज के करीब इंसान नशे की हालत में ना जाए और नशे की हालत अब तो वो चीज़ मनसूख हो गई अब तो जायज़ भी नहीं है कोई इंसान नशा करे और नशा करके नमाज़ पढ़ने के लिए जाए ये चीज़ तो मनसूख हो चुकी है क्योंकि शराब तो मुकम्मल तौर पर हराम किया जा चुका है लेकिन इससे इस्तनास किया जा सकता है इस बात की तरफ कि अगर हमारे जहन में कोई परेशानी लाक हो कोई टेंशन लाक हो और उसको हम नमाज पढ़ने से पहले दूर कर सकते हैं तो नमाज पढ़ने से पहले उसको दूर कर लेना चाहिए ताकि नमाज़ में खुशू और खुजू बाकी रहें और इसकी कुछ मिसालें अहािस में भी मौजूद है मिसाल के तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला सलात तब हज़रतम वला वाफ़िरबसान कि दो सूरतों में नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जाना चाहिए एक ऐसी सूरत कि जब इंसान के सामने खाना हाजिर हो और इंसान को शदीद भूख लगी हुई हो तो उसको चाहिए कि पहले वो खाना शुरू करें खाने से फारिग हो जाए और इस तरह से वो फारिग हो जाए कि उसका जहन खाने की तरफ ना जाए क्योंकि अगर इंसान भूख की हालत में और शदीत भूख की हालत में नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है तो पूरी नमाज भर उसका जहन खाने की तरफ लगा रहेगा अल्लाह व तआला के लिए जिस खुशी और खुजू के साथ इबादत की जानी चाहिए नमाज में जो कॉन्सनट्रेसन और तोज्जो की जानी चाहिए वो चीज़ें उसके यहाँ मौजूद नहीं होंगी लिहाजा अगर खाना मौजूद हो और भूख लगी हुई हो तो नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जाना चाहिए वला वो हुआ अखबसान और आप अरे सरात ने भी फरमाया कि ना ऐसी सूरत में इंसान को नमाज पढ़ना चाहिए जब उसको पेशाब और पाखाना उसको परेशान करे किसी को तेज़ पेशाब लगी हुई हो किसी को तेज़ बाथरूम आया हुआ हो तो ऐसी सूरत में भी उसको नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि जब नमाज़ पढ़ने के लिए वो जाएगा तो उसका पूरा जहन पूरा दिमाग उसी की तरफ लगा रहेगा नमाज में कुछ भी मन नहीं लगेगा बस उसकी नमाज क्या है मुनाफिकों की तरह से हो जाएगी कि जो लोगों को दिखाने के लिए नमाज़ के लिए खड़े हो जाते थे अल्लाह यजकुर कलीला और अल्लाह सुबह का थोड़ा मोड़ा ज़िक्र किया करते थे तो नमाज में तो अल्लाह रब्लिन का जिक्र मतलूब है लिहाजा इस आयस से हमें ये मालूम हुआ कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे जहन को हमारी अक्ल को नमाज से गाफिल करने वाली हो हमारी तोज्जो को हमारे खुशु खुशों को नमाज से हटाने वाली हो तो ऐसी तमाम चीज़ों से इंसान को पहले फारिग हो लेना चाहिए और उसके बाद उसको नमाज पूरे खुशु और खुजू के साथ अदा करनी चाहिए दूसरा हुक्म यह मालूम हुआ कि अल्लाह सुबह तभी फरमाया कि जनाबत की हालत में भी नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है इंसान जब जुम हो जाए तो जुम्बी होने के बाद उसको फौरन कोशिश ये करनी चाहिए कि वह गसल करें और गसल करने के बाद ही वो नमाज़ के पास आए अभी जो वाकया मैंने आपके सामने बयान किया अबूर रजी अल्लाह तनों का अबूर रज़ी अल्लाह तहु ने उसमें एक जुमला अरसाद फरमाया कि जब उन्होंने गसल किया तो आपने कहा फ़ः अन जब अला कि जब मैंने गसल किया तो गोया कि मैंने अपने ऊपर से एक पहाड़ को हटा दिया तो पता ही ये चला जो इंसान जुमबी हो जाता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जल्द अज जल्द वो जनाबत से पाक हो जाए वो तहारत इख्तियार करे वो गसल करने लग जाए क्योंकि जनाबत एक अच्छी चीज़ नहीं है इंसान को अगर उसी हालत में मौत आ गई तो तकसीर और कोताही की वजह से थोड़ा सोचना चाहिए आप जनाबत की हालत में हैं, आप जनाबत की हालत में रह भी सकते हैं लेकिन उस हालत में बाकी रहना ये चीज़ किसी भी एतबार से मुनासिब नहीं है और अगर नमाज वगैरह पढ़नी हो तो नमाज़ वगैरह काबिल कबूल नहीं होगी इन दोनों आयतों में अल्लाह अल्ला तआला ने तीसरा जो हुक्म दिया वो ये कि वज़ू करना चाहिए और वज़ू करने का तरीक़ा बयान किया गया कि जब भी इंसान नमाज़ पढ़ने जाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बयान करदा तरीक़े के मुताबिक वो वज़ू करें और चौथा हुक्म ये बयान किया गया कि अगर पानी ना मिले और वज़ू करने की हाजत हो नमाज़ पढ़ना हो इंसान जनाबत की हालत में हो हद से अकबर का शिकार हो या हदसे असगर का शिकार हो और पानी ना मिले तो वह इंसान तैम कर सकता है और तैम करके वो वही काम कर सकता है जो वजू के बाद किए जाते हैं यानी वो क़ुरान करीम की तिलावत भी कर सकता है नमाज भी पढ़ सकता है और दीगर इबादतों को भी अंजाम दे सकता है इन सारी चीज़ों के बाद अल्लाह सुबहान तैाल ने क्या फ़रमाया मा माँ यीदिया मिन हरज अल्लाह अल्ला तुम्हारे ऊपर कोई तंगी डालना नहीं चाहता अल्लाह रबीन बड़ा रहीम है अल्लाह सुबह बड़ा करीम है अल्लाह रबालबीन का जो दीन है अल्लाह ने जो शरीयत हमें इनायत फरमाई है वो शरीयत बड़ी आसान है अल्लाह रब्लबी ने यह कहा कि अगर तुम वजू नहीं कर सकते तो ते, तयम कर लो नमाज़ के बारे में भी क्या कहा? कहाल़ा इमन खड़े होकर के नमाज़ पढ़ो फ़िलम तस्तादन अगर खड़े होकर के नहीं पढ़ सकते तो बैठ करके पढ़ो फ़इलम तस्त फ जनबिन अगर बैठ करके नहीं पढ़ सकते तो, तो पहलू के बल लेट करके पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ने की हालत में नमाज पढ़ने के तरीक़े में अल्लाह तआला ने तुम्हें रुक्सत दे दी तो जब इतना आसान दीन है तो हमें चाहिए कि हम इस दीन को अपनाएं और इस दीन को कबूल करें इस दीन के अहकाम पर अमल करें क्योंकि हम सब की भलाई इसी में मज़मर है अल्लाह सुबह से मैं दुआ करता हूँ कि इलाहाल तो हम सब को नबी सली वसलम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक अपने इबादत को अंजाम देने अदा की तोफ़ी अदाफरमा इलामी यादी अमनों के ज़रिए से जो भी अहकाम हम हासिल कर रहे हैं उन अहकाम पर अमल करने और जो भी नवाही की बातें हमें मालूम हो रही हैं تمام نواحي سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرما امین واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں